वहाँ पर उतारते हैं और फिर यहीं से ही हमने उस दुकान पर जाके अपनी चप्पलें ली। ये देखें बारिश देखने की शुरू, फिर यहाँ से बस हम घर की तरफ निकले। रास्ते में इतना पानी जमा हो गया था पूरा जो है ना, ये देखें आप देख सकते हैं पानी, देखें रास्ते में कितना सारा, हालांकि इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी लेकिन पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। और ये वापसी का रास्ता है, हरियाली देखें कितनी खूबसूरत, अभी ये बारिश के बाद का जो मंज़र है। और यहाँ पर भी तकरीबन लोग घूमने गए हैं, दादू पुल। हम जब रास्ते से जा रहे थे तो ये देखें यहाँ पर लोग ज़्यादातर, रश यहाँ भी लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पर कश्तियाँ वगैरह थी और छुट्टी का दिन था तो लोग बहुत जमा थे, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आए थे। बारिश की वजह से शाम का टाइम था तो बारिश भी थी और लोग ज़्यादातर यहाँ पर मेला घूमने आए थे, यहाँ छोटा सा एक मेला लगा था। बस हमने तो यहाँ पर ऐसी रास्ते में से जो है ना देखा है, बस उतरे नहीं थे यहाँ पर और सीधा फिर हम अपने घर के ही रास्ते जा रहे थे। तो ये देखें रास्ते में जो है ना शाम काफ़ी हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसे कि होने ही वाला था, रश भी थोड़ी थी तकरीबन। बहुत से लोग बाइकों पे, कार पे, बहुत से लोग जो है ना इस तरफ आए थे पुल के पास। ये दादू पुल का था, यहाँ एक छोटा सा मेला लगा था, अक्सर यहाँ जब बारिशें होती हैं तो मेला लगता है। और ये दादू पुल का जो दादू की तरफ जो चौक का रास्ता है, ये पेट्रोल पंप यहाँ पर, तो यहाँ मेरे हस्बैंड रुक गए थे आम वगैरह लेने के लिए, तो गाड़ी यहाँ पर रोकती थी एक साइड पर। बस हम आम लेकर फिर सीधा ही रास्ते घर की तरफ निकले। टाइम काफ़ी हो गया था, अंधेरा, अजान मगरिब की यही हमें हो गई थी और बारिश जो थी यहाँ पर फिर शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। ये देखें हमने एक साइड पर गाड़ी रोक दी थी यहाँ पर रेस्टोरेंट के पास, क्योंकि यहाँ से हमें नान ख़रीदने थे, फिर यहाँ से हम नान लेकर जो है ना अपने घर की तरफ चले। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, लाइटें हर जगह बंद थी और बारिश के साथ बिजली भी बहुत ज़्यादा जो है ना गरज रही थी।